सुस्वागतम मित्रों, मैं हूं दिलीप गंगवार। और सबसे पहले उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। आपके वीडियो के नीचे ऐसा सब्सक्राइब का लाल बटन आ रहा होगा, उसे आप प्रेस कर दें, तो इससे जो भी मैं नए वीडियोज हमेशा अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे उनका पता आपको लगता रहेगा। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारा। यूनरी ऑपरेटर, मोनोमियल्स, कुछ टर्म होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलीनोमियल। मोनोमियल मतलब वन, बाय यानी टू, ट्राई यानी थ्री, पॉलीनोमियल्स यानी बहुत, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम ये बात करते हैं कि मोनोमियल्स, कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करते हैं। देखिए, जैसे हमने कोई भी ऑपरेटर, जैसे ये था, ये भी मोनोमियल है एक तरीके का। जब हमने बात करी कि ऑपरेटर्स हमारे, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जैसे मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने देखे, ये है सब, इनके क्या होता है, इधर उधर दोनों तरफ ऑपरेंड होते हैं, इसके भी दोनों तरफ होते हैं, ऐसे करके कुछ ऑपरेटर होते हैं जैसे ये नॉट है, ये है, ये सिर्फ सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। कुछ ऑपरेटर होते हैं दो या तीन ऑपरेंड पे काम कर लेते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से उनको कैटेगराइज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर हम देखेंगे कि कुछ वैल्यूज के साथ, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये होते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर। और हम चेक करते हैं एक्स की वैल्यू, गैस करिए क्या आएगी। सिंपल, फोर, थ्री वैल्यू थी। प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, प्लस प्लस मतलब होता है इंक्रीमेंट टू वन, मतलब वन से इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। अब हमें बस एक थोड़ी सी चीज और इसमें देखनी है कि मैंने बोला y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, अब क्या वैल्यू आएगी आप बताइए y की। अगर y की, x की तो आपने देख ली, अगर मैं y की वैल्यू ले हूं, अगर और y की यहां 5 है वो तो हट जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए क्या वैल्यू आई, मतलब 3 ही। ये तो हमें पता लग गया कि प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट टू 1, माइनस माइनस का मतलब है डिक्रीमेंट टू 1, ठीक है ना। पर इनको हमें बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। अगर हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया, मतलब यहाँ पे एक ऑपरेटर इधर और है, मतलब ये क्या करेगा, एक्स वाई को असाइन हो जाएगा, एक्स की जो भी वैल्यू है वाई में चली जाए, उसके बाद एक्स की वैल्यू बढ़ रही है पर वो असाइन नहीं हो रही। पर इसका अपोजिट अगर हम इधर ही करते हैं कि इधर मैं प्लस प्लस लगा देता हूं और फिर उसके बाद वाई की वैल्यू मैं चेक करता हूं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा काम। थ्री की वैल्यू कितनी हो गई, फोर असाइन हो गया इसके अंदर, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे ये यूनरी ऑपरेटर हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस हम दोनों एक तरीके से यूज कर सकते हैं। बस असाइनमेंट में ध्यान रखना है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, या प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, बस इसका डिफरेंस है इसमें, क्लियर है। और नॉट बहुत ईजी है, नॉट मीन्स नहीं, सिंपल। कोई भी एक स्टेटमेंट हो कि हाँ भाई मैंने कुछ लिख दिया जैसे नॉट ट्रू, सिंपल, ट्रू नहीं है मतलब, तो क्या है, फॉल्स है, सिंपल, ठीक है ना। तो आपको कभी किसी स्टेटमेंट के साथ अगर नॉट लगाओगे तो आप उसका अपोजिट पाओगे, क्लियर है। तो ये है हमारे यूनरी ऑपरेटर। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे, वो है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट, उनमें हमने टर्नरी ऑपरेटर देखा था, इफ एल्स का ऑल्टरनेटिव है तो इसलिए वो कंडीशनल में मैंने डिस्क्राइब कर दिया था। ये क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब होता है इफ और इसका मतलब होता है एल्स। और उसके बाद मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, ये बहुत इजी है, मेंबर एक्सेसिंग ऑपरेटर। आप कभी भी किसी भी वैल्यू का, आप किसी भी प्रॉपर्टी, कोई भी, जैसे एक्स डॉट, देखिए डॉट क्या करेगा, उसके मेंबर्स को आपको दिखा देगा कि उस एक्स के क्या 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 मेंबर्स हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं कोई भी दे सकता हूँ, सिस्टम, सिस्टम एक नेम स्पेस है, देखिए सिस्टम के अंदर कितनी क्लासेस और कितने और नेम स्पेसेस हैं, ठीक है। नेम स्पेस कैन हैव नेम स्पेसेस एंड क्लासेस आल्सो, ये एक्सेसिंग ऑपरेटर है डॉट हमारा, क्लियर है। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे नल कंडीशनल ऑपरेटर, नल कोलिजिंग ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स में, टैग करें, लाइक करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।